बैकग्राउंड देख लेते एक बार, एमआरएनए मैच्योरेशन कहाँ होता है और क्या होता है, उसके लिए अपने को एक बार समझना पड़ेगा सेंट्रल डॉगमा। देखिए, सेंट्रल डॉगमा एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके नाइट्रोजनस बेसिस में, उसके न्यूक्लियोटाइड्स में, वो इन्फॉर्मेशन यूज करके डीएनए सबसे पहले बनाता है एक मैसेंजर आरएनए। तो दिस फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। बाद में यह एमआरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस करके प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा, यानी पहले डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन की डिकोडिंग करके एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, बाद में इस एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्जन ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए की हेल्प से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन कहलाता है। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों मिलकर जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जैसे रेट्रोवायरसेस, एचआईवी बहुत अच्छा एग्जांपल है रेट्रोवायरस का, ऐसे केसेस में एमआरएनए भी डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। तो डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्जन ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है ट्रांसलेशन, और एमआरएनए का डीएनए सिंथेसाइज करना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सेंट्रल डॉगमा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे आज एमआरएनए का मैच्योरेशन, तो वो प्रोसेस क्या होता है वो देखिएगा आप यहाँ पे। देखिए, मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद इमीडिएटली जो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्री एमआरएनए, या फिर आप उसको कह सकते हो प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, या फिर आप उसको कह सकते हो एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। अब उस एचएनआरएनए को हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए क्यों कहते हैं, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब वो चीज़ क्लियर होगी। फिलहाल आप समझिए कि जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, ट्रांसक्रिप्शन के खत्म होते ही जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज प्री एमआरएनए या प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट या एचएनआरएनए, और ये होता है अनस्टेबल। तो इस अनस्टेबल प्री एमआरएनए को अगर हम एमआरएनए में कन्वर्ट करना चाहें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैच्यूरेशन ऑफ प्री एमआरएनए, और मैच्यूरेशन के बाद में उस प्री एमआरएनए से बनेगा फंक्शनल एमआरएनए या फिर एक्सोनिक एमआरएनए। तो प्रोसेस ऐसा है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करती बनाएगा प्री एमआरएनए जो कि अनस्टेबल होता है, और बाद में उस अनस्टेबल प्री एमआरएनए के मैच्योरेशन से बनता है स्टेबल फंक्शनल एमआरएनए या फिर एक्सोनिक एमआरएनए। अब इनका ऐसा नाम क्यों है, हम लोग जैसे जैसे अब डिटेल पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके ऐसे नाम क्यों है। अब ये जो स्टेबल फंक्शनल एमआरएनए है इट इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन, और अब ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो ये जो प्रोसेस है हम लोग इस वीडियो में इस पे ही फोकस करेंगे, एमआरएनए के मैच्योरेशन पे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग, एक बार स्प्लिट जीन का कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, उसी से हम लोग रिलेट करेंगे एमआरएनए के मैच्योरेशन को। देखिए, स्प्लिट जीन का मतलब क्या होता है, इस जीन क्या है, जीन एक डीएनए है, तो जीन के अंदर दो सीक्वेंसेस हैं, एक को आप बोलते हो फंक्शनल सीक्वेंस या फंक्शनल पार्ट, और दूसरा होता है नॉन फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल इसलिए बोला क्योंकि वो फंक्शनल पार्ट एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, जबकि नॉन फंक्शनल पार्ट जो एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा वो एमआरएनए आगे फंक्शन नहीं करेगा। देखते हैं कैसे समझेगा इसको। देखिए, जीन के दो पार्ट है, एक फंक्शनल पार्ट और एक नॉन फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन, और नॉन फंक्शनल को पार्ट को कहते हैं हम इंट्रॉन। जीन के दो पार्ट है, फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन एंड नॉन फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन। जो एक्सॉन वाला पार्ट है, ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्सॉन का भी होगा और ट्रांसक्रिप्शन इंट्रॉन का भी होगा, लेकिन एक्सॉन के ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए का पार्ट बनेगा दैट इज कोडिंग पार्ट, और इंट्रॉन के ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए का पार्ट बनेगा दैट इज नॉन कोडिंग पार्ट। इसको कोडिंग पार्ट इसलिए बोला क्योंकि इस एक्सॉन से बनने वाला जो एमआरएनए का जो कोडिंग पार्ट है वो किसी प्रोटीन को कोड करता है, अमीनो एसिड्स को कोड करता है, लेकिन इंट्रॉन जो एमआरएनए का पार्ट है वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, यानी उसका ट्रांसलेशन फर्दर
नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि एग्जॉन और इंट्रॉन दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन ट्रांसलेशन केवल एग्जॉन का होगा, इंट्रॉन का ट्रांसलेशन नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि एग्जॉन्स कोडिंग वाले थे या इंट्रॉन्स कोडिंग वाले थे, ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है दोनों। तो उसके लिए मैं एक फ्रेज याद करूंगा, एग्जॉन्स एक्सप्रेस, यानी एग्जॉन्स ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इंट्रॉन्स अपने आप को आगे प्रोटीन्स में एक्सप्रेस नहीं करते। तो एग्जॉन्स का ईएक्स और एक्सप्रेस का ईएक्स, एग्जॉन्स एक्सप्रेस। तो एग्जॉन्स कोडिंग पार्ट है और इंट्रॉन कोडिंग पार्ट है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि मैच्योरेशन कैसे होगा। ये मेरे सामने एक जीन है, इस जीन के पांच कंपोनेंट मैं आपको शो कर रहा हूं। पहले एग्जॉन 1, एग्जॉन 1 से जुड़ा है इंट्रॉन 1, फिर एग्जॉन 2, फिर इंट्रॉन 2 और फिर एग्जॉन 3। अब इन एग्जॉन और इंट्रॉन में से ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? तो हम बोलेंगे सर ट्रांसक्रिप्शन तो दोनों का होगा। इसके एक एंड को मैंने डिफाइन कर दिया है 3' एंड। अब हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी डीएनए में दो एंड होते हैं, एक होता है 3'5 एंड 3' एंड और एक होता है 5' एंड। तो 3' एंड की तरफ है एग्जॉन 1 और 5' एंड की तरफ है एग्जॉन 3। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो नीट में अगर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको एंड्स के ऊपर बहुत अच्छे से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, समझेगा अच्छे से। तो ये अपना स्प्लिट जीन हो गया, क्योंकि इसमें एग्जॉन भी है और इंट्रॉन भी है। अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे हम, तो इसके ट्रांसक्रिप्शन से एग्जॉन का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा और इंट्रॉन का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी एग्जॉन 1, इंट्रॉन 1, इन सब का ट्रांसक्रिप्शन हुआ। एग्जॉन कोडिंग पार्ट है, इंट्रॉन नॉन कोडिंग पार्ट है। अब हमें अच्छे से पता है कि डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तब पोलैरिटी चेंज होती है, यानी 3' एंड के सामने बनेगा 5' एंड और 5' एंड के सामने बनेगा 3' एंड। यानी डीएनए का एग्जॉन 1 3' एंड पे था, लेकिन एमआरएनए का एग्जॉन 1 5' एंड पे होगा। जब आप हमारा ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो देखिएगा, उसमें ये चीजें आपको काफी क्लियरली समझ में आएगी कि एमआरएनए का फॉर्मेशन जब डीएनए के टेम्पलेट पे होता है तो ऑपोजिट स्ट्रैंड बनता है एमआरएनए का, और 3' के सामने बनेगा 5' एंड और 5' एंड के सामने बनेगा 3' एंड। तो ये जो बना है, दिस इज एचएनआरएनए या प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट या प्री एमआरएनए। अब इसको एचएनआरएनए क्यों बोला, समझिएगा, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है? हेट्रो होमो दो वर्ड होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये जो एमआरएनए बना है इसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, एक एग्जॉन है और एक इंट्रॉन है, इसलिए इस तरह के आरएनए को हमने नाम दिया हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इस हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए का, जो कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसका हमें करना होगा मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो आपका 5' एंड पे, जहां पे एग्जॉन 1 प्रेजेंट है, वहां पर आकर 7-मिथाइल ग्वेनोसिन का एक कैप लगता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो बनता है 7-मिथाइल ग्वेनोसिन। अगर आपको अच्छे से पता हो तो चार नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडिनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन और थाइमिडिन। तो उसमें से जो ग्वेनोसिन वाला पार्ट है उसी ग्वेनोसिन से बनता है मिथाइल ग्वेनोसिन। तो 7-मिथाइल ग्वेनोसिन का एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आपके एचएनआरएनए के 5' एंड पर अटैच होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिंग। अब आप यहां समझिएगा प्रॉब्लम क्या आएगी, समझिए, मैंने यहां पे इस एंड से 5' एंड से ट्रांसलेशन प्रोसेस चालू किया। तो जब ट्रांसलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो एग्जॉन 1 को तो वो ट्रांसलेट कर लेगा, लेकिन इंट्रॉन 1 को वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंट्रॉन्स ट्रांसलेट नहीं होते। तो हमारा प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा, यानी इस इंट्रॉन की वजह से एग्जॉन 2 और एग्जॉन 3 भी ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैच्योरेशन में क्या होता है कि इंट्रॉन्स जितने भी हैं किसी एचएनआरएनए में, उन सभी इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि बाकी जो पीछे एग्जॉन्स बचे उनको जोड़ दिया जाए आपस में, और एक स्मूथ वे में, कंटिन्यूस वे में ट्रांसलेशन किया जा सके। तो कैपिंग प्रोसेस में तो 5' एंड पे 7-मिथाइल ग्वेनोसिन की कैप लग गई, और उसके बाद जितने भी इंट्रॉन्स हैं उन सबको रिमूव करके बाकी सभी एग्जॉन्स को हम लोगों ने आरएनए लाइगेज की हेल्प से क्या कर दिया, कंबाइन, ज्वाइन कर दिया। अब तीसरे स्टेप में 3' एंड पर,
यानी कि यहां पर जहां पर एग्जॉन 3 प्रेजेंट था वहां पर एंड में ए जो एडेनोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, यानी एडेनोसिन का न्यूक्लियोटाइड का कम से कम 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच होते हैं एग्जॉन 3 यानी कि 3 प्राइम एंड पे, यानी पूरी एक एडिनोसिन के न्यूक्लियोटाइड का, यानी एडिनोसिन का न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाता है, एडिनालिक एसिड, एडिनालिक एसिड के 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स आकर वहां पर अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक लंबी सी ए ए ए ए की क्या बनने लगेगी वहां पर, टेल, यानी 3 प्राइम एंड पे तो बनेगी टेल, 5 प्राइम एंड पे लगेगा कैप, और बाकी बीच में सभी इंट्रॉन्स को रिमूव करके बाकी बचे हुए एग्जॉन्स को आरएनए लाइगेज की हेल्प से वापस कंबाइन किया जाएगा। तो पहला स्टेप कहलाएगा कैपिंग, और एग्जॉन्स को वापस इंट्रॉन्स हटाकर एग्जॉन्स को जोड़ना कहलाएगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइस करना मतलब क्या होता है, कट करना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इंट्रॉन्स को स्प्लाइस कर रहे हैं, इसलिए स्प्लाइसिंग कहते हैं इसको। और 3 प्राइम एंड पे जो लंबा सा एक टेल बन गया है ए का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेलिंग, यानी कि प्री एमआरएनए का मैच्योरेशन में बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग। और अब ये जो एमआरएनए बना है इसको हमने नाम दिया एक्सोनिक एमआरएनए। अब काफी क्लियर होगा कि इसको एक्सोनिक एमआरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एमआरएनए में केवल और केवल एक्सॉन्स प्रेजेंट है, इनमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये बेसिक स्टेप्स 3, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग होता है मैच्योरेशन ऑफ प्री एमआरएनए में। आइए एक बार इन तीनों प्रोसेस को हम लोग साथ में देखते हैं, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करके देखें। कैपिंग कौन से एंड पे होगा, 5 प्राइम एंड पर। ये जो पिक्चर है ये आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, ये पूरा फोटो एज ए पिक्चर जेपीजी इमेज मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारे चैनल से। बट इस एक पर्टिकुलर पिक्चर से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। कैपिंग में 5 प्राइम एंड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगता है 7-मिथाइल गुआनोसिन का, और 7-मिथाइल गुआनोसिन बेसिकली जीटीपी का एक केमिकली मॉडिफाइड मॉलिक्यूल है। जीटीपी जैसे एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, वैसे ही होता है जीटीपी, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो उस जीटीपी का ही केमिकल मॉडिफिकेशन से बनता है 7-मिथाइल गुआनोसिन, और ये आकर अटैच होता है 5 प्राइम एंड पे। और ये जो कैपिंग जिस एंजाइम की हेल्प से होती है उस एंजाइम का नाम है ग्वेनाइल ट्रांसफरेज। एंजाइम्स के नाम याद करने का लोड नहीं होता कभी भी, एंजाइम्स तो बस सबस्ट्रेट और उसके फंक्शन के बेस पे उनका नाम रखा जाता है। जैसे इस प्रोसेस में क्या किया जा रहा है, इस प्रोसेस में ग्वेनोसिन को ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए नाम क्या रख दिया हमने एंजाइम का, ग्वेनाइल ट्रांसफरेज। टेलिंग प्रोसीजर 3 प्राइम एंड पे होता है हमेशा, और इसमें एडिनाइन के 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स जिन्हें और जिन्हें हम एडिनाइलिक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा एडिनाइन के न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहते हैं एडिनाइलिक एसिड, यानी एडिनाइन के 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स को 3 प्राइम एंड पे एक टेल की तरह बनाया जाता है, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है पॉली एडिनाइलेशन। और इसमें जो एंजाइम लगता है वो है पॉली ए पॉलीमरेज, यानी पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से पॉली एडिनाइलेशन प्रोसेस किया जाता है। अब भूल जाते हैं हम एग्जाम में कि सर कैपिंग 3 प्राइम पे थी या 5 प्राइम पे थी, टेलिंग 3 प्राइम पे थी या 5 प्राइम पे थी, तो उसका मैं तरीका आपको याद करने का बताता हूं। देखिए ध्यान रखिएगा, टी याद रखना है आपको, टी से टेलिंग और टी से 3 प्राइम एंड, टेलिंग 3 प्राइम एंड दोनों कहां से चालू हो रहा है, टी से, तो आप वैसे इसको याद कर सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है स्प्लाइसिंग, जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और बाकी बचे हुए एग्जॉन्स को वापस से ज्वाइन करते हैं आरएनए लाइगेज की हेल्प से। और इस प्रोसेस में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, SNRNPs, और अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो आप इसको बोलते हो स्नप्स, यानी SNRNPs को अगर आप एक साथ बोलोगे तो क्या प्रोनाउंसिएशन निकलता है, स्नप्स। तो स्नप्स इज ए स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, और ये स्नप्स हेल्प करते हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस में। आइए मैं आपको एक बार स्प्लाइसिंग अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि स्प्लाइसिंग में एक्चुअल में होता क्या है। ये पिक्चर देखिए आप बहुत अच्छे से, ये एग्जॉन 1 जो कोडिंग पार्ट है, दिस इज इंट्रॉन, ये अपने को नहीं चाहिए, और ये एग्जॉन 2 जो कि कोडिंग पार्ट है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी कोशिश ये होगी कि इन इंट्रॉन्स को कट करके निकाला जाए। ये जो फिगर में इस तरफ शो कर रखे हैं, दीज आर स्नप्स, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। पहले स्टेप में क्या होगा, ये सारे के सारे स्नप्स जाकर इंट्रॉन से दोनों एंड पर, जैसे समझिए कि ये 5 प्राइम एंड है एमआरएनए का और ये 3 प्राइम एंड है, तो ये स्नप्स दोनों एंड पे 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड जो इंट्रॉन का रहेगा वहां पर जाकर अपने आप को अटैच करते हैं, और ये सभी मिलकर
सभी स्नप्स और उसके साथ में कुछ प्रोटीन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पर इंट्रॉन्स के पास में। उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्प्लाइसियोजोम। स्प्लाइसियोजोम यानी एक ऐसा बॉडी, जोम हम लोग बॉडी को कहते हैं, एक ऐसा बॉडी जो स्प्लाइसिंग करेगा, उस बॉडी का नाम रखा है स्प्लाइसियोजोम। तो स्प्लाइसियोजोम किससे बनेगा? स्नप्स और कुछ प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं स्प्लाइसियोजोम। अब ये स्प्लाइसियोजोम इस इंट्रॉन को 5 प्राइम एंड पर और 3 प्राइम एंड पर कट कर देंगे, और इस कटिंग के लिए वो एनर्जी यूज करते हैं इंट्रॉन्स की, एटीपी से। एटीपी से ही एनर्जी यूज करके कटिंग, एटीपी से एनर्जी यूज करके इंट्रॉन्स कट किए गए, और बाद में दोनों जो एक्सॉन्स बचे, एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2, इन दोनों को आरएनए लाइगेज की हेल्प से हमने वापस ज्वाइन कर दिया और इंट्रॉन निकल गया और एसएनआरएनपीएस यानी स्नप्स वापस से फ्री हो गए। ये बन गया एक्सोनिक एमआरएनए, और ये एक्सोनिक एमआरएनए अब ट्रांसलेशन के लिए तैयार है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, जीन, अगर मैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को कंपेयर करूं तो जीन में कुछ डिफरेंसेस है। प्रोकैरियोटिक जो जीन है वो नॉन स्प्लिट जीन्स हैं, यानी ऐसे जीन्स में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज अ फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। आपको स्प्लिट जीन्स केवल यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे, और यूकैरियोट्स के मोस्ट ऑफ द जीन्स आर स्प्लिट जीन्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे जो जीन्स हिस्टोन प्रोटीन और इंटरफेरॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं वो जीन्स नॉन स्प्लिट जीन्स हैं, जबकि यूकैरियोट्स में कैसे जीन्स होते हैं अपने? स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखिए, अगर स्प्लिट जीन्स केवल यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट है तो आरएनए मैच्योरेशन प्रोकैरियोट्स में क्यों होगा? तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आरएनए मैच्योरेशन अकर्स ओनली एंड ओनली इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आरएनए का मैच्योरेशन नहीं होता। यहां पर कुछ एनसीईआरटी की बहुत अच्छी लाइंस है, वो मैं आपको यहां एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। देखिए, स्प्लिट जीन इज एन एंशियंट फीचर ऑफ जीन। जो हम लोग पूरा जब डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, जो पूरा हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें देखते ना कि एडवांस्ड फीचर, प्रिमिटिव फीचर्स। तो स्प्लिट जीन इज अ प्रिमिटिव फीचर। हालांकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो यूकैरियोट्स आर एडवांस्ड देन प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स में जो स्प्लिट जीन है वो जीन का एक एंशियंट फीचर है, जबकि वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं है। यानी इंट्रॉन्स का प्रेजेंस, अब स्प्लिट जीन है तो इंट्रॉन्स होंगे, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है लेकिन प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स कैसे हैं? एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। इंट्रॉन्स, अब जब इंट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो आरएनए स्प्लाइसिंग भी होगा। तो इंट्रॉन्स का और आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस का यूकैरियोट्स में प्रेजेंस शो करता है कि एक वक्त था जब आरएनए का डोमिनेंस हुआ करता था। हमने दो वर्ल्ड बना रखे हैं बायोलॉजी में, एक आरएनए वर्ल्ड और एक डीएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड यानी उस वक्त का टाइम था जब आरएनए वाज द मेन जेनेटिक मटेरियल। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए या डीएनए, तो अपना आंसर होगा आरएनए। सबसे पहले आरएनए इवॉल्व हुआ है, उसके बाद में डीएनए इवॉल्व हुआ है। पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता था, एक एंशियंट की बात करूं मैं तब, उसके बाद में डीएनए ने उसको टेक ओवर किया है। तो वो पूरा वक्त, जब वो पूरा एरा, जब आरएनए वाज द मेन जेनेटिक मटेरियल, उस पूरे एरा को हम कहते हैं आरएनए वर्ल्ड। यानी इंट्रॉन्स और आरएनए स्प्लाइसिंग किस बात को शो करते हैं? कि एक वक्त था जब आरएनए डोमिनेट किया करता था। अब मैं आपको, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर, जेनेटिक्स का जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है थोड़ा टफ है, वो हमें नहीं समझ में आती। इसलिए मैं अब कुछ वीडियोस में, बेसिकली जेनेटिक्स के वीडियोस में, एनसीईआरटी के ही लाइंस को आपके सामने पढ़कर उनका एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा। देखिए, पहली जो है वो एक ये कह रहा है, ट्रांसक्रिप्शन जब एंड हो रहा है एनसीईआरटी में, तो ट्रांसक्रिप्शन के एंड में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है देखिएगा, कि इन यूकैरियोट्स देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। यानी ट्रांसक्रिप्शन में वो डिफरेंस बता रहा है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। वो ये कह रहा है कि यूकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो दो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। पहला, पहले पॉइंट में वो ये कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज क्या है? ये वो एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन करता है।
प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, और यही आरएनए पॉलीमरेज टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए तीनों बनाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में एटलीस्ट तीन अलग-अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और ब्रैकेट में उसने लिखा है, इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल्स, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का, तो उसमें भी आरएनए पॉलीमरेज होता है। और न्यूक्लियस के अंदर तीन और अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। अब जब तीन अलग-अलग आरएनए पॉलीमरेज है, यानी उन तीनों में क्लियर कट डिवीजन हो गया है कि किसको क्या काम करना है। प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज था तो सारे काम वही देखता था, लेकिन यहाँ पे तीन आरएनए पॉलीमरेज है तो सब अपना अलग-अलग फंक्शन करते हैं। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें तो वो आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिसमें 28S, 18S और 5.8S ये तीनों भी होंगे। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टीआरएनए, 5SRRNA और SNRNAs, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, इनका ट्रांसक्रिप्शन करता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाएगी, तो आप इनको यहीं पे याद कर लें। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा? एमआरएनए का, मतलब ट्रांसक्रिप्शन से पहले बनेगा एचएनआरएनए। तो वो जो एचएनआरएनए बनेगा वो यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से बनता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज रहता है। तो तीन आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, और तीनों अपने अलग-अलग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो ये तो पहला कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी एनसीईआरटी ने बात की। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो ये कह रहा है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होंगे और इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, और ये इंट्रॉन्स होते हैं नॉन फंक्शनल। इसलिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। उस स्प्लाइसिंग के अंदर उन इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और बाद में उन एक्सॉन्स को वापस से ज्वाइन किया जाएगा एक डिफाइंड ऑर्डर में। और एचएनआरएनए उसके अलावा कुछ एडिशनल प्रोसेस और शो करता है जिसको हम कहते हैं कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग के अंदर एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड क्यों बोला उसने? क्योंकि मिथाइल गुआनोसिन नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, यूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स में हम इसको काउंट नहीं करते। तो एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है एचएनआरएनए के 5' एंड पे। ये सब चीजें हमने अभी वीडियो में डिस्कस की, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी की लाइंस एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद टेलिंग प्रोसेस में एडिनाइलेट के रेसिड्यूज यानी एडिनाइलिक एसिड के रेसिड्यूज करीब 200 से 300 ऐड करते हैं हम लोग 3' एंड पे। कैसे याद किया था? टी फॉर थ्री, टी फॉर टेलिंग, और इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अब कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग के बाद जो फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए है, अब उसको हम कहते हैं एमआरएनए, और ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के ट्रांसलेशन करेगा। न्यूक्लियस से बाहर क्यों निकलेगा? क्योंकि ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम्स में, जो कि न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइंस है। उसके बाद में जो एनसीईआरटी ने एक और एक फिगर दे रखा है अपने आरएनए मैच्योरेशन का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे डीएनए शो करा 5', 3', 5', 3', और ये आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स से पूरा ये सब शो कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा है एक, ये देखिए ये एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। इस एमआरएनए का जैसे जैसे फॉर्मेशन हो रहा है तो 5' एंड पे इन्होंने लगाना चालू कर दिया 5-7 मिथाइल गुआनोसिन का कैप, जिस प्रोसेस को उन्होंने बोला कैपिंग। और यहाँ पर जो उन्होंने एमआरएनए शो कर रखा है उसमें ये येलो वाला पोर्शन इज एक्सॉन और दिस पिंक वाला, ऑरेंज वाला पोर्शन इज इंट्रॉन। तो नेक्स्ट स्टेप में वो ये शो कर रहे हैं कि ये एक्सॉन्स हो गए, ये इंट्रॉन्स हो गए, और ये कंप्लीट बन गया आपका एचएनआरएनए। 7-मिथाइल गुआनोसिन का कैप ऑलरेडी लग चुका था 5' एंड पे। तीसरे में उन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने शो किया है आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए उन्होंने हर इंट्रॉन पे ये क्या लगा दिए? न्यूक्लियोसोम्स, ये सभी न्यूक्लियोसोम्स शो किए हुए हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम्स अब क्या कर देंगे, इन ये जितने भी इंट्रॉन्स हैं उन सब का क्या करेंगे, ये स्प्लाइसिंग, और ये यहाँ से निकल जाएगा। और इसी स्टेप में उन्होंने पॉली ए टेल, जिसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया पॉली एडिनाइलेशन, जो 3' एंड पे इन्होंने कर दिया। और अल्टीमेटली जो बना वो बना आपका एमआरएनए, एक एक मैच्योर मैसेंजर
आरएनए, जिसके 5 प्राइम एंड पे कैप है, 3 प्राइम एंड पे पॉली एडिनाइलेशन हो रखा है, और केवल क्या बचे हैं, एक्सॉन्स, इसलिए हम इनको कहते हैं एक्सोनिक एमआरएनए। बहुत बढ़िया फिगर, बहुत बढ़िया डायग्राम एनसीईआरटी ने अपने बुक में दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें। लास्ट एक एक्सट्रैक्ट जो एनसीईआरटी ने ट्रांसक्रिप्शन के सबसे एंड में डिफाइन किया हुआ है, वो ये कह रहा है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। जो हमने दो कॉम्प्लेक्सिटीज की बात की, यानी एक तो मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेजेस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये जो कॉम्प्लेक्शंस हैं, ये अब धीरे धीरे हमें समझ में आने लगे हैं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, यानी कि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स का प्रेजेंट होना एक जीनोम का एक एंशियंट यानी कि प्रिमिटिव फीचर है, और इंट्रॉन्स का प्रेजेंस इज अ रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, रेमिनिसेंट का मतलब होता है पीछे बचा हुआ, एंटिक्विटी का मतलब होता है प्राचीन काल यानी पुराना समय। इंट्रॉन्स का प्रेजेंस आज के टाइम में यूकेरियोट्स में एक प्राचीन काल का बचा हुआ हिस्सा है, मतलब प्राचीन काल की एक 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 प्रॉपर्टी है जो अब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये स्प्लाइसिंग का प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है कि आरएनए वर्ल्ड डोमिनेट हुआ करता था उस टाइम पे। रिसेंट टाइम्स में आरएनए और आरएनए से डिपेंडेंट जितने भी प्रोसेसेस है लिविंग सिस्टम में, उस पे हमने बहुत सारी स्टडीज भी की है, और उसको एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब दी जा रही है। तो ये एनसीईआरटी की कुछ लाइंस थी जो थोड़ा मुश्किल रहता है बच्चों के लिए समझना, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दे दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बस इसी तरह से लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच, बस पढ़ते रहिए आपका।